Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone. तो एपिसोड की शुरुआत में हम तांजीरो को देखते हैं, जो कि उस डीमन के पीछे पड़ गया होता है हंतेंगू के, एंड उसे मारने वाला होता है एंड अपनी स्वॉर्ड तैयार करता है उसे मारने के लिए एंड उसके गले पर सीधा हमला करता है। जब वो हमला कर रहा होता है तब उसे फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है एंड वो स्मेल करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कोई डीमन है। लेकिन ये डीमन उन चारों की तरह स्मेल नहीं कर रहा था जैसे कि वो चार थे। यहाँ पर तांजीरो कह रहा होता है कि ये काफ़ी मुश्किल है लेकिन मुझे यही करना होगा। एंड तभी हम गेन्या को पीछे से आते हुए देखते हैं। वो तांजीरो से कहता है कि तुम हट जाओ सामने से, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। एंड यहाँ पर तांजीरो सोच रहा होता है कि वो नहीं, अब गेन्या अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी चिंता करता है अभी। एंड तभी नेजुको के ब्लड डीमन 8 का असर तलवार पर से कम हो जाता है एंड तभी उसके पीछे से अटैक करता है वो डीमन अपना डमरू बचा के एंड इसकी वजह से उस जगह पर ब्लास्ट जैसा होता है। एंड हम देखते हैं कि काफ़ी वुडन ड्रैगन्स तांजीरो पर अटैक कर रहे थे लेकिन उनसे तांजीरो बच रहा था वहाँ पर, मगर एक वुडन ड्रैगन उसे खाने वाला था। तभी नेजुको आके उसे बचा लेती है जिसमें उसका हाथ और पैर कट जाते हैं। जब वो नीचे गिरते हैं तो तांजीरो देखता है कि उसके हाथ और पैर रीजनरेट हो गए थे एंड वो सेफ थी। तांजीरो अपने सामने उस डीमन को देखता है एंड सोचता है क्या ये 6th डीमन है, नहीं वो 4 डीमन कहाँ पर चले गए, मैं उन्हें फील नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या ये डीमन ने उसे अपने अंदर संभाल लिया है क्या। एंड ये डीमन तांजीरो को कह रहा था कि तुम काफ़ी बुरे हो जो एक कमज़ोर पर अटैक करते हो एंड जो कि जो तुमसे छोटा भी है। एंड यहाँ पर गेन ने सोच रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जब तांजीरो ने उस छोटे डीमन पर अटैक किया तब सेकिडो ने हराकु एंड उस बड़ डीमन को अपने अंदर संभाल लिया एंड वो आजेत्सु की तरफ आगे बढ़ा। आजेत्सु कुछ बोल पाता उससे पहले उसने भी एब्जॉर्ब कर लिया उसे एंड इस डीमन फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म हो गया एंड इसको कोई स्पीड भी नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये डीमन उस मेन बॉडी से जुड़ा हुआ है एंड ये काफ़ी यंग लग रहा है एक बच्चे की तरह। एंड एक तरफ वो डीमन हंतेंगू को बचा रहा था एक वुडन में सेव करके, तभी तांजीरो कहता है कि रुक जाओ वहाँ पर एंड वो डीमन उससे गुस्से से देखता है एंड तांजीरो को कहता है कि तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एंड तांजीरो यहाँ पर कहता है कि मैं सांस ले नहीं पा रहा हूँ एंड मेरे दिल में भी कुछ हो रहा है। एंड एक तरफ गेन्या सोच रहा होता है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ ना ही खड़ा रह पा रहा हूँ। यहाँ पर उस डीमन की अपीयरेंस से ये दोनों काफ़ी सहम गए थे। तांजीरो यहाँ पर कांपते हाथ से पूछ लेता है कि हम विलन्स क्यों हैं एंड वो डीमन कहता है कि तुम कमज़ोरों को परेशान करते हो एंड उस इंसान को मार रहे थे जो कि तुमसे काफ़ी छोटा है, यानी कि तुम्हारे हाथ से हाथ जीतना भी नहीं है एंड उसे मार रहे थे तुम एंड ऐसा सिर्फ कमज़ोर लोग ही करते हैं दूसरों के साथ। यहाँ पर तांजीरो गुस्सा हो जाता है एंड वो कहता है कि तुम मुझे कमज़ोर कह रहे हो जबकि तुम कैसे हो, तुमने ना जाने कितने 100 से या 200 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया होगा एंड कईयों का खून भी बहाया होगा एंड अपने आप को तुम निर्दोष समझते हो। और आगे तांजीरो सीधा सीधा कह देता है कि मैं तुम्हारा गाला काट के ही रहूँगा। एंड यहाँ पर गेन्या सोच रहा होता है मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ एंड तांजीरो कहता है कि मैं तुम्हारा गला काट के ही रहूँगा एंड वो डीमन कहता है कि जितने भी लोगों को मैंने मारा है क्या वो तुमसे रिलेट करते थे या फिर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स थे। एंड तांजीरो कहते आए कि वो मेरे कोई भी नहीं लगते थे लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो कोई और भी मेरी तरह दर्द से गुजरे। उस तांजीरो कहता है कि तुम्हें ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि इंसानों की मदद कैसे की जाती है क्योंकि तुम आखिरकार एक डीमन हो। एंड तभी ये डीमन तांजीरो पर अटैक कर देता है, सीन शिफ्ट होता है मोइचिरो पर जो भी अब भी प्रिजन में फंसा हुआ था एंड यहाँ पर ग्यो को हंस रहा था एंड कह रहा था कि देखो मेरा जूसर काम कर रहा है, मैं तुम्हें वैसे मरते हुए देखना चाहता था धीरे धीरे
लेकिन मुझे देखना है कि उस हंट में क्या है। अब यहाँ पर ग्योगो देखना चाहता था कि आखिर उस हंट में क्या है, इसलिए वो अपने मटके में घुस जाता है। एंड यहाँ पर मोइचिरो सोच रहा है कि मेरे अंदर इतनी ही सांस है जिससे मैं एक अटैक फॉर्म कर पाऊँ। एंड यहाँ पर अपने मिस्ट ब्रीथिंग का यूज़ करके वो फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करता है, लेकिन कुछ असर होता नहीं है। मोइचिरो कहता है, इसका असर नहीं हुआ, शायद मेरी तलवार ही खराब है। एंड अपने मास्टर को याद करने लग जाता है एंड कहता है कि आपको अब दो और नए हाशिरा ढूंढने होंगे एंड मैं मरने वाला हूँ। साथ ये भी सोच रहा था कि काश कोई उसकी हेल्प करने यहाँ पर आ जाए। एंड उसे अचानक से तांजिरो की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि तुम ये क्या सोच रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड मोइचिरो कहता है कि ऐसा तांजिरो ने कभी नहीं कहा था, तो फिर ये बात किसने कही थी। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्यो को हंट में पहुंच गया होता है एंड उसे कानामोरी रोक रहे होते। एंड ग्यो को कहता है कि क्या तुम कुछ भी करके मुझे रोक सकते हो, एंड उस पर अटैक कर देता है जिससे कानामोरी काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। ग्यो को यहाँ पर कहता है कि तुम इस झोपड़ी की सुरक्षा कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर चीफ है। एंड वो देखता है कि हैगे नेजुका तांजिरो की तलवार को पॉलिश कर रहा होता है। एंड ये कहता है कि नहीं, ये तो यंग है, तो ये चीफ नहीं हो सकता। एंड हैगे नेजुका को बुलाने लग जाता है, पर हैगे नेजुका उसकी बात को इग्नोर मारते हुए इस स्वॉर्ड के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर ये किसने बनाई होगी एंड ये कितनी कमाल की है। अगर बनाई है तो इस पर पूरा नाम क्यों नहीं लिखा, सिर्फ एक ही लेटर क्यू लिखा हुआ है। एंड शायद अब मुझे समझ में आ गया है कि ये किसने बनाई होगी। एंड दूसरी तरफ ग्यो को ये देख के काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है कि ये कितना फोकस कर रहा है। एंड मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक आर्टिस्ट के तौर पर मुझे लग रहा है कि जैसे मैं हार गया हूँ। एंड आगे गुस्सा होकर ग्यो को उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हैगे नेजुको को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है जबकि उसका खून निकल रहा होता है। एंड ये अब भी इस स्वॉर्ड के बारे में ही सोच रहा होता है। एंड एक तरफ ग्यो को सोच रहा होता है कि मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी कंसंट्रेशन तोड़ना चाहता हूँ जिससे ये अपनी तलवार छोड़ दे यहाँ पर। एंड गुस्सा हो रहा होता है उस पर। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं मोइचिरो को जो कि ये सोच रहा था कि मेरी आंखें बंद हो रही है एंड मैं मरने वाला हूँ। एंड तांजिरो कहता है कि अपना अंत खुद डिसाइड मत करो, शायद कोई आता ही होगा तुम्हारी मदद करने के लिए। एंड मोइचिरो कहता है कि ऐसा तांजिरो ने मुझे कभी नहीं कहा था, आखिर ये कौन है जिसने मुझे ऐसा कहा था। मोइचिरो ये मानता है कि किसी की आशा रखना बुरी बात है। एंड तांजिरो कहता है कि एक इंसान कुछ हद तक ही काम कर सकता है, इसलिए कई लोग इकट्ठा होते हैं एक काम करते हैं। मोइचिरो यहाँ पर सोच रहा था कि मैं ही यहाँ पर पावरफुल हूँ, तो मेरी मदद करने पर यहाँ कौन आएगा, शायद मुझे सब कुछ पहले ही ठीक कर देना चाहिए था, मैंने काफ़ी बुरा डिसाइड किया। एंड मुझे लगा था कि मैं हाशिरा हूँ। एंड तांजिरो कहता है कि तुम गलत नहीं हो। मोइचिरो आगे सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ। एंड तभी उसकी आंख खुलती है एंड वो देखता है कि अपना छोटा सा कोतेजु उसकी मदद करने के लिए एक छुरा लेके बार बार उस बबल पर अटैक कर रहा होता है। एंड वो कहता है कि ये टूट क्यों नहीं रहा और ये जेली जैसा है। तो मोइचिरो कहता है कि मैं तोड़ नहीं पाया, तो तुम कैसे तोड़ पाओगे। एंड वो कहता है कि तुम्हें शायद मुझसे ज़्यादा चीफ की रक्षा करने में ध्यान देना चाहिए, तो लेकिन वो भी तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तो तुम कम से कम तलवार को इकट्ठा करके यहाँ से भाग सकते हो। एंड तभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा डीमन आ जाता है एंड वो कोतित्सु पर हमला कर देता है। जब वो छोटा सा डीमन उसके पेट में घुसा देता है कुछ, एंड तभी वो मोइचिरो के पास आता है। एंड मोइचिरो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपने जख्म को संभालो एंड यहाँ से भाग जाओ। पर कोतित्सु बबल की तरफ बढ़ रहा था एंड वो अपना मुंह बबल की तरफ लगाता है एंड अपनी सांस उस बबल में जाने देता है जिसे मोइचिरो ले लेता है। जब कोतित्सु हवा ट्रांसफ़र करता है तब मोइचिरो को तांजिरो की बात याद आती है जिसने कहा था कि दूसरों की मदद करने से हमारी भी मदद आखिर में होती ही है। एंड हम एक और पर्सन को भी देखते जो कह रहा था कि जब इंसान को दूसरे की मदद करनी होती है तब उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। एंड मोइचिरो कहता है कि मैं समझ गया एंड अपने सेकेंड फॉर्म का यूज़ करता है मिस्ट ब्रीथिंग का एंड बबल को फोड़ डालता है उसी जगह पर। और मोइचिरो सोचता है कि अब मुझे याद आया, मेरे डैड की भी आंखें तांजिरो की तरह रेड थी
एंड यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार, मेहनत लगती है इतनी वीडियो बनाने में भी। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।